हेलो बीएससी पार्ट सेकंड स्टूडेंट्स, आज हम क्लासिफिकेशन की सीरीज में क्लास रेप्टिलिया के बारे में स्टडी करते हैं। क्लासिफिकेशन रेप्टाइल्स में सबसे पहले हम इसके जनरल करेक्टर्स देखते हैं। रेप्टाइल्स जो हैं वो कॉर्डेट जंतु हैं, जमीन पर अर्थात जल से बाहर रहने में पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं। ये पहला ऐसा कॉर्डेट जंतु है रेप्टाइल्स जो फर्स्ट टाइम लैंड पर रहने के लिए अपने आप को सक्षम बनाता है। इन जंतुओं में ऐसे डायग्नोस्टिक करेक्टर नहीं पाए जाते जिनसे अन्य वर्ग के जंतुओं से इनको पृथक किया जा सके। ये पाइसीज और एम्फीबियन जंतुओं के लक्षणों का मिश्रण सा ही होते हैं, तथा एविज और मैमल्स के भी लक्षणों का थोड़ा मिश्रण रहता है। ये कार्बन युग में रहने वाले विशेष प्रकार के एम्फीबियन एंसेस्टर से विकसित हुए हैं। धीरे धीरे शेल्ड एमनियोटिक अंडे देने का इनका स्वभाव बन गया क्योंकि ये जमीन पर अपने एग्स देने लग गए। रेप्टाइल जंतु जो हैं मीजोजोइक युग में लगभग 300 लाख वर्षों तक भूमि पर इनका आधिपत्य रहा, जो आपने मूवी में भी देखा है डायनासोर्स, तो इनका बहुत बड़ा आधिपत्य रहा मीजोजोइक एरा में। जो क्लासिफिकेशन रेप्टाइल्स का होता है उसका मेन जो करेक्टर है वो हम चार इसके टेम्पोरल फोसा के बेस पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। इनको यदि हम इनके मुख्य लक्षण देखें तो ये लैंड पर चलने वाले बिलकारी स्वभाव के मांसाहारी और एरियल रेस्पिरेशन प्रकृति के प्राणी होते हैं। कुछ इसमें टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक भी होते हैं। पोकाइलोथर्मल है, आगे हम सबका देखेंगे, अर्थात बॉडी टेम्परेचर वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। स्किन इनकी देखे तो ड्राई है, हॉर्नी है, नॉन ग्लैंडुलर है, कॉर्निफाइड है। एक्सोस्केलेटन जो है वो स्केल्स जो है वो बोनी स्क्यूट्स भी पाए जाएंगे, बोनी प्लेट्स भी पाए जाएंगे, हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे। इनका जो शरीर होता है वो हेड ट्रंक और टेल में डिवाइड रहता है। कॉडल फिन नाम की कोई चीज नहीं होती है इसमें, अपूर्णता अभाव रहता है। प्रत्येक पाद पर पांच उंगलियां होती हैं, उंगलियों में जो है नेल्स भी पाए जाते हैं, और स्नेक्स और कुछ लिजर्ड्स हैं उनमें लिम्स एब्सेंट भी होते हैं। एंडोस्केलेटन जो इनका है वो बोनी प्रकार का है। हम हर में देखेंगे भी, कुछ मैं जनरलाइज करेक्टर बोल रही हूँ। ऑसिपिटल कोंडाइल जो है स्कल में पाया जाता है। टेम्पोरल फोसी एक या दो होती है, और इसके जो दांत होते हैं वो एक्रोडोंट थीकोडोंट टाइप के होते हैं। ग्रीवा और जो वक्ष पाई जाती है, और जो थॉरेक्स होती है उसमें पसलियां होती हैं और वास्तविक स्टर्नम भी बनाती हैं। बाकी इसमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, क्लोइका में खुलती है, थ्री चैम्बर्ड हर्ट होता है, लेकिन इसका एक ऑर्डर में हम देखेंगे फोर चैम्बर्ड हर्ट भी मिलता है। रेस्पिरेशन लंग्स से होता है, पहला लैंड रेप्टिलियन एनिमल है जिससे लंग्स से रेस्पिरेशन कंप्लीटली होता है। उत्सर्जन है वो किडनी के द्वारा, मेटानेफ्रिक किडनी होती है उसके द्वारा किया जाता है। यूरिकोटेलिक है, यूरिकोटेलिक होने से इसमें ब्रेन जो है सुविकसित होता है। 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं। लेटरल लाइन सिस्टम एब्सेंट है। जेकॉब्सन ऑर्गन जो है इसकी छत, माउथ की छत पर पाया जाता है। जेनाइटल अपर्चर जो है वो एनस से पृथक नहीं होते हैं। यूनिसेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है वो पेनिस में एक या दो होते हैं।
ओविपेरस है, कोई कोई एनिमल विविपेरस भी है, अर्थात अंडे भी देते हैं और बच्चे भी देते हैं। योग की मात्रा बहुत ज्यादा होती है अंडों में। कैल्शियम कार्बोनेट का मजबूत शेल से भी ढका रहता है। यदि हम क्लीवेज देखें तो इनकम्प्लीट है, मीरोब्लास्टिक है। और एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में हम देखते हैं तो उसमें एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस और योग सैक पाया जाता है। मेटामॉर्फोसिस नहीं पाया होता है, अर्थात लार्वा नहीं पाया जाता है। पेरेंटल केयर का बहुत बड़े लक्षण हैं, बहुत अच्छे गुण पाए जाते हैं रेप्टिलिया में। तो इस तरह से कुछ हमारे ये इम्पोर्टेंट करेक्टर्स थे। अब क्लासिफिकेशन जो रेप्टिलिया का है उसमें 7,000 जीवित हैं और विलुप्त जो जातियां भी हैं 16 ऑर्डर्स हैं। इसमें 4 ही वर्तमान में उपस्थित हैं। रेप्टिलिया जो जंतु है उसके स्कल में पोस्टीरोलेटरल टेम्पोरल भाग में फॉसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर इन्हें 4 वर्गों में हमने बांटा गया है। ये निम्न है। सबसे पहले एनाप्सिडा, पेरप्सिडा, डायप्सिडा और सिनेप्सिडा। फर्स्ट वन इज द एनाप्सिडा। ये स्कल की टेम्पोरल रीजन की छत पर उपस्थित जो छिद्र है वो नहीं पाया जाता है। टेम्पोरल वैक्यूटी आर एब्सेंट इन द स्कल। और जो इसकी कॉर्डेट एवं ईयर बोन के मध्य सूचर या जोड़ होता है। और इसमें लिम्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बलिष्ठ होते हैं। ह्यूमरस और फीमर जो है वो बगल में फैली रहती है। और इसके शरीर पर कैरापेस या प्लांट्रोन जो है उसकी कवरिंग पाई जाती है। एनुप्सिडा जो है वो प्रिमिटिव फॉसिल है। मॉडर्न टेरोटाइज भी पाए जाते हैं, कुछ मॉडर्न टेरोटाइज भी आपको मिलेंगे कछुए। इनको दो सब क्लास में डिवाइड किया गया है, या दो, ये सॉरी, जो एनाप्सिडा क्लास सब क्लास है उसको दो ऑर्डर्स में डिवाइड किया है, कोटाइलोसोरिया और चिलोनिया। फर्स्ट इज द कोटाइलोसोरिया। ये जो है एक्सटिंक्ट ग्रुप है और इसमें इसमें पूरी क्रेनियल रूफ पाई जाती है, पेल्विक गर्डल फ्लैट होती है और रेप्टाइल्स जॉज और टीथ जो होते हैं वो बहुत पुअरली डेवलप्ड होते हैं। दीज रेप्टाइल जो हैं रिजेंबल करते हैं लेब्रिंथोडोंट एम्फीबियन से। एम्फीबियन का एक एक्सटिंक्ट ऑर्डर है लेब्रिंथोडोंट, उससे ये मिलते हैं, उससे अपनी क्लोज कनेक्टिविटी दर्शाते हैं। दे बिकेम एक्सटिंक्ट इन द ट्रायसिक पीरियड ऑफ मीजोजोइक एरा। ये एक्सटिंक्ट भी हो चुका है, शुरू में ही हमने देखा, सेम ओरिया और लेपिडोसोरस इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरा ऑर्डर है चिलोनिया। इसमें टर्टल और टॉर्टोइज आते हैं। ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों होते हैं। बॉडी जो है वो शेल से कवर रहती है, जिसे डॉर्सल कैरापेस और वेंट्रल प्लास्ट्रोन कहते हैं। दिख भी रहा है डायग्राम में, वेंट्रल प्लास्ट्रोन और डॉर्सल कैरापेस। नेक, लिम्ब और टेल जो है वो स्केल से ढकी रहती है। 4 लिम्ब पाए जाते हैं जो पेंटाडेक्टाइल होते हैं। और इनमें पैडल्स भी पाए जाते हैं, जो एक्वेटिक टॉर्टाइज होते हैं या टर्टल होते हैं उनमें पैडल्स भी पाए जाते हैं तैरने के लिए। जॉज में टीथ नहीं होते हैं। जॉज में हॉर्नी शीट्स पाई जाती हैं। ये जो क्वाड्रेट है ये इमूवेबल होता है, आर्टिकुलेट होता है। नेजल ओपनिंग जो है सिंगल है। अनपेयर्ड कॉपुलेटरी ऑर्गन उपस्थित है। क्लोइकल ओपनिंग जो है वो लंबत होती है। ये ओविपेरस हैं। इसके एग्जाम्पल यदि हम देखें तो थॉनेक्स, टेस्टुडोल जिसे लैंड टॉर्टोइज कहते हैं, आपको स्पेसिमन में भी देखने को मिलेगा क्लास में। चिलॉन टर्टल कहते हैं। दूसरी सब क्लास हम देखते हैं पेरेप्सिडा। ये भी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ये भी ट्रायसिक पीरियड में और से क्रिस्टलाइज
क्रिटेशियस पीरियड तक एक्सटिंक्ट हो गई थी। देयर स्कल इज शोज वन पेयर ऑफ टेम्पोरल वैक्यूटी, एक जोड़ी इसमें टेम्पोरल वैक्यूटीज पाई जाती हैं। ये सुप्रा टेम्पोरल फॉसी भी होते हैं, इक्थियोसॉरस और प्लियोसॉरस। थर्ड क्लास है डायप्सिडा। ये रेप्टाइल स्कल शोज टू टेम्पोरल वैक्यूटीज, दो जोड़ी टेम्पोरल वैक्यूटीज मिलती है। मॉडिफिकेशन ऑफ टिपिकल डायप्सिडा कंडीशन इज कॉमन अमंग दीज मेंबर। दीज सब क्लास डिवाइडेड इंटू टू सुपर ऑर्डर्स, लेपिडोसोरस एंड ऑर्कियोसोरस। लेपिडोला ये प्रिमिटिव रेप्टाइल्स हैं। टीथ आर प्रेजेंट ऑन द पैलेट जॉज मार्जिन, दे आर नॉट प्रेजेंट इन सॉकेट्स। इसके दो लिविंग ऑर्डर्स हैं, रिंकोसेफेलिया और सक्वामेटा। रिंकोसेफेलिया का जो ऑर्डर है, टीथ जो है एक्रोडोंट है। स्कल शोज टू वैक्यूटीज, क्वाड्रेट बोन इमूवेबल है। एपिटेरिगोइड बोन इज प्रेजेंट। वर्टिब्री जो है एम्फीसीलस प्रकार की है। कॉपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, और इसका एग्जाम्पल एक ही लिविंग फॉसिल है, सफीनोडॉन, जो कि न्यूजीलैंड में पाया जाता है। दूसरा ऑर्डर है सक्वामेटा, इसमें स्नेक्स और लिजर्ड्स आते हैं। इसकी बॉडी एपिडर्मल स्केल्स के द्वारा ढकी रहती है। सिंगल सुप्रा टेम्पोरल वैक्यूटी इसमें देखने को मिलती है लिजर्ड में, और स्नेक्स में तो ये एब्सेंट है। टीथ जो है प्लूरोडोंट है। प्रोसीलस वर्टिब्री इसमें पाई जाती है। ट्रांसवर्स क्लोइकल ओपनिंग इज प्रेजेंट। मेल शो एक जोड़ी कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, जो कॉपुलेशन में हेल्प करता है। इसके दो ऑर्डर्स हैं, सब ऑर्डर रादर, सक्वामेटा ऑर्डर के दो सब ऑर्डर्स हैं, लेसर्टिलिया एंड ओफिडिया। फर्स्ट ऑर्डर हम देखते हैं लेसर्टिलिया, इसमें सारी लिजर्ड्स आती हैं। ये टेरिस्ट्रियल है, आर्बोरियल है, बरोइंग फॉर्म्स में रहती हैं। लिम्स जो हैं वही पांच उंगलियों नखयुक्त होती हैं। स्टर्नम प्रेजेंट है। आईलेट्स जो है मूवेबल है। टिम्पेनम भी उपस्थित है। इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कैलोट्स, कैमलियन, ड्रैको, वेरेनस, घोएरा और गिरगिट। ये सब चीज, सब एनिमल्स, गीको और कॉमन हाउस लिजर्ड, ये सारे एनिमल्स जो हैं इस लेसर्टिलिया सब ऑर्डर में आते हैं। नेक्स्ट सब ऑर्डर है ओफिडिया, इसमें सब स्नेक्स आते हैं। ये स्नेक्स जो हैं इस ओफिडिया सब ऑर्डर को हम पहले सरपेंटी के नाम से भी जानते थे। इसमें भी ये स्नेक्स टेरिस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, आर्बोरियल भी होते हैं, और बरोइंग फॉर्म में होते हैं, बिलकारी भी होते हैं। टेम्पोरल वेक्यूटीज इसमें शुरू में हमने देखी थी एब्सेंट होती है। लिम्स और लिम गर्डल भी एब्सेंट होते हैं। स्नेक्स में कोई पाद नहीं पाए जाते हैं। स्टर्नम भी अनुपस्थित होता है। आईलिड भी अनुपस्थित होती है। टिम्पेनम भी अनुपस्थित होता है। टंग जो होती है इसकी इंपॉर्टेंट है, बाइफिड होती है। इसके एग्जाम्पल है पाइथन, लायोडोन, नाजा नाजा, हाइड्रोफिश, वाइपर। थर्ड सुपर ऑर्डर है आर्कियोसोरिया। इसको वैसे सीधा भी हम इसी में रख सकते हैं, और आर्कियोसोरिया अलग भी, इसके कुछ साइंटिस्ट ने अलग ऑर्डर भी दिया हुआ है सुपर ऑर्डर। ये एडवांस रेप्टाइल्स हैं। टीथ इनके जॉ मार्जिन पे है और मस्कुलर सॉकेट में उपस्थित होते हैं। ये सिंगल लिविंग ऑर्डर इसमें मिलता है क्रोकोडिलिया। ये फ्रेश वाटर होते हैं, प्रीडेटरी फॉर्म में रहते हैं। बॉडी जो है वो हॉर्नी स्केल एंड स्क्यूट्स, एक्सोस्केलेटन में जो है मिलेगा आपको हॉर्नी स्केल और स्क्यूट्स की बनी हुई। टीथ जो है थीकोडोंट है। क्वाड्रेट जो है उसकी इमूवेबल होती है, और वर्टिब्री जो होती है इसकी प्रोसीलस होती है।
स्पॉन्जी लंग्स भी देखने को मिल रहे हैं इसमें, और लॉन्गिट्यूडनल क्लोइकल ओपनिंग इज प्रेजेंट, जो कि कॉमन करेक्टर है रेप्टिलियंस का। इसका एग्जाम्पल है क्रोकोडिलिया, एलिगेटर ग्रेवियलिस, घड़ियाल जिसे बोलते हैं, मगरमच्छ, घड़ियाल। लास्ट फोर्थ सब क्लास हम सिनेप्सिडा, दिस ग्रुप इंक्लूड सारे एक्सटिंक्ट फॉर्म है जिसमें डायनासोर्स आते थे। ये जो है किस पीरियड में रहते थे, कार्बोनीफेरस टू परमियन पीरियड में इसकी उपस्थिति दर्ज होती है। देयर स्कल शोज वन पेयर ऑफ वेक्यूटीज, एक ही जोड़ी वेक्यूटीज मिलते हैं, और ये वेक्यूटीज भी इंफ्रा टेम्पोरल फॉसल जो है उसमें पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं डायमेट्रोडोन और साइनोगनेथस। तो इस तरह से हमने आज क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स में चार प्रकार के सब क्लास को देखते हुए अप टू ऑर्डर तक हमने इसको कनेक्ट किया है, और इसके जनरल करेक्टर्स को हमने रिवाइज किया है। थैंक यू सो मच।